चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा दृष्टि पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी धर्म सामाजिक धर्म सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। और उसमें कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कैसे भारत में किस किस तरीके से और किन कारणों से धर्म सुधार आंदोलन चलाए जाते हैं, और सबसे पहले कौन इसको शुरू करता है। तो कल हम लोग ब्रह्म समाज, प्रार्थना सभा और यंग बंगाल को हम लोग कल पढ़े थे। आज हम लोग क्या देखते हैं, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे पहले आज आर्य समाज को पढ़ते हैं। देखिए, आर्य समाज की स्थापना बम्बई में 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट में चीज़ों को पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, दयानंद सरस्वती जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। तो दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी भाषा में प्रकाशित किया। पहले क्या था, पहले दयानंद सरस्वती ने संस्कृत भाषा को अपनाया था। किसको? संस्कृत भाषा को। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि केशव चंद्र सेन के कहने पर इन्होंने हिंदी को अपने प्रचार प्रसार का माध्यम बना लिया। सेन के कहने पर हिंदी को माध्यम बनाया। ठीक है, इनके द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था। इनका क्या कहना था, वेदों की ओर लौट चलो। इसका तात्पर्य कि हम लोग जो प्राचीन हमारा जो वेद है, हम लोग उसकी तरफ चलेंगे, ना कि जो आज का वर्तमान का वेद है। यानी कि प्राचीन वेद कैसा है, वहाँ पे किसी तरह की बुराई नहीं है। यानी कि प्राचीन वेद में किसी तरह की बुराई का वर्णन नहीं किया गया है, जैसे सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह हो गया, तो इन सब का वहाँ पे उल्लेख नहीं किया गया था। देखिए, इनके द्वारा क्या था, इनके द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया। और शुद्धि आंदोलन क्या था, शुद्धि आंदोलन ऐसे व्यक्तियों के लिए चलाया गया था जिन्होंने हिंदू धर्म से अपने अपने आप को किसी अन्य धर्म में परिवर्तित कर लिया गया था, या किसी के दबाव में या किसी अन्य कारणों से। और इस शुद्धि आंदोलन के द्वारा वे व्यक्ति पुनः अपने आप को हिंदू धर्म में वापस कर सकते थे। 1882 ईस्वी में क्या हुआ, 1882 ईस्वी में गोरक्षड़ी सभा की स्थापना की गई। ठीक है, इनसे संबंधित इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके आगे हम लोग क्या देखते हैं, इसके आगे हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को देखते हैं। जो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछा जाता है कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा लागू किया गया, यानी किनके प्रयासों से लागू किया गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से शुरू के प्रयासों से पारित किया गया। और ये किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया था, तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी के समय क्या होता है, यह पारित होता है। और कभी एग्जाम में पूछता है कि किसके समय से लागू हुआ, तो पारित हुआ है डलहौजी के समय पे और लागू होता है कैनिंग के टाइम पे, कैनिंग के समय में। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रामकृष्ण मिशन को। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। रामकृष्ण कौन थे, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु थे। अब यहाँ से विवेकानंद जी के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, और इनके जन्म को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह जो कि शिकागो कब गए, इनके बचपन का नाम क्या था, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर लोग क्या देख रहे हैं कि विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। देखिए, कभी कभी पूछता है कि इनके बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन के बहुत तीन नाम है, एक है बीरेश्वर और एक है नरेंद्र दत्त। विले, तीन इनके बचपन के नाम है, वीरेश्वर, नरेंद्र दत्त और विले। आगे चलकर के क्या होता है कि आगे चलकर के इनके अनुयायियों के द्वारा इनको स्वामी की उपाधि दे दी जाती है। और 1892 ईस्वी में क्या होता है कि खेतड़ी के महाराज के द्वारा इनको विवेकानंद की
विवेकानंद का एक नया नाम दिया जाता है, ठीक है। और हम लोग देखें तो विवेकानंद जो इनका नाम था वो किसके द्वारा दिया गया, वह खेतड़ी के महाराज यानी राजस्थान के खेतड़ी के महाराज के द्वारा, महाराज के द्वारा। और स्वामी की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो यह इनके अनुयायियों के द्वारा। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसी खेतड़ी के महाराज के कहने पर यानी कि इन्हीं के निवेदन करने पर स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में शिकागो गए, शिकागो गए और विश्व धर्म धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया और वहां पे भारतीय धर्म का वहां पे ध्वज फहराया। फिर हम लोग आगे क्या देखते हैं कि न्यूयॉर्क में ही 1895 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। देखिए वहां पे क्या होता है, जिस जब ये यूरोपीय प्रवास पे थे, कहा जाता है 4 वर्षों तक ये यूरोप में रहे अमेरिका के बाद भी, तो वहां पे एक आयरिश महिला थी, उसका क्या नाम था, मार्गरेट नोबुल। वह इनके विचारों से बहुत ही प्रभावित हुई और बाद में क्या होता है, जब विवेकानंद जी भारत वापस आते हैं तो यह विवेकानंद जी के साथ भारत में चली आती है और इसी मार्गरेट नोबुल को स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिस्टर निवेदिता किसका नाम था, तो सिस्टर निवेदिता विवेकानंद जी ने इनको एक नया नाम दिया, क्या नाम दिया, सिस्टर निवेदिता। फिर आगे चलकर क्या होता है, 1857 ईस्वी में कलकत्ता में वेल्लूर में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 1902 ईस्वी में 39 वर्ष की अवस्था में ब्रेन हैमरेज से उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो पूछता है कभी कभी, गोपाल हरि देशमुख के बारे में पूछता है एग्जाम में कि लोकहितवादी के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो हम लोग यहाँ सीधे देख रहे हैं कि लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख जाने जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के वर्चस्व को चुनौती दी और इन्होंने लोकहितवादी पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, जो इनका उद्देश्य था वह क्या था, आधुनिक मानवतावादी और पंथनिरपेक्ष मूल्यों पर बल देना। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, ज्योतिबा फूले को, ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है, इससे तक कुछ पूछता नहीं है, तो ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पूड़ा में बालिकाओं की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना की थी। कभी कभी इनकी जाति के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये किस जाति से बिलोंग करते थे, तो यह जो कि एक माली जाति से, माली जाति से बिलोंग करते थे। देखिए जो इनकी पत्नी थी पंडित रमाबाई, इन्होंने इनके इस कार्य में बहुत ही सहयोग प्रदान किया। कभी कभी पंडित रमाबाई के बारे में पूछ लेता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए या महिलाओं की शिक्षा के लिए इसमें से किसने किसने प्रभावी रूप से कार्य किया, तो कौन हो जाएगी, पंडित रमाबाई। देखिए इनकी एक पत्रिका आती थी जिसका क्या नाम था, गुलामगिरी। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, एम जी रानाडे के बारे में कल मैंने आप लोगों को बताया था, महादेव गोविंद रानाडे जिनको महाराष्ट्र का सुकरात के नाम से भी जाना जाता है, यह गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। और यहाँ थोड़ा हम लोग क्या देख लेते हैं कि 1884 ईस्वी में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, कहीं कहीं डेक्कन मिलेगा कहीं कहीं दक्कन मिलेगा, ठीक है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की जब स्थापना हो रही थी तो उस समय इन्होंने इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगर हम लोग वास्तविक संस्थापक के बारे में देखें तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के जो वास्तविक संस्थापक थे वो कौन थे, एजी आगरकर। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में पढ़ते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी मैं कल बताया था कि ये भारत में गांधी जिन्ना और सरोजिनी नायडू इन तीनों के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि परमहंस मंडली महाराष्ट्र में 1849 ईस्वी में स्थापित की गई और इसके संस्थापक कौन थे, इसके दो संस्थापक थे दादोबा पांडुरंग और बाल शास्त्री जांबेकर। आपको एग्जाम में फिर पूछेगा कि
कि परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? या तो ये ऑप्शन दे देगा, या फिर ये देगा, या फिर क्या दे देगा, ए और बी दोनों। देखिए वेद समाज के बारे में पढ़ते हैं, तो वेद समाज की स्थापना के श्री धरालु नायडू ने किया था। इसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा था कभी कभी कि राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो वह किसने किया था इसकी स्थापना, 1871 ईस्वी में वीरेश लिंगम पत्तलू ने आंध्र प्रदेश में किया था। आंध्र प्रदेश में। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं राधा स्वामी सत्संग के बारे में। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा में शिवदयाल सिंह के द्वारा किया गया था। शिवदयाल सिंह को तुलसीदास के नाम से भी जाना जाता है, तो एग्जाम में आपको तुलसीदास भी मिल सकता है और शिवदयाल सिंह भी मिल सकता है। इसका जो मुख्यालय वो दयालबाग में है, और इसके द्वारा कुछ पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया जाता था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, श्री नारायण गुरु। अगर हम लोग दलितों उत्थान की बात करेंगे, भारत में अगर समाज सुधार के आंदोलन की बात करते हैं और दलितों के उत्थान की बात करते हैं, तो उसमें श्री नारायण गुरु का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री नारायण गुरु ने क्या किया, इन्होंने 15 मई 1903 ईस्वी को श्री नारायण धर्म परिपालना एक संगठन की स्थापना की। इन्होंने केरल में जाति प्रथा के विरोध में एक आंदोलन चलाया, और चूंकि यह जो इनका आंदोलन था वह केरल में वायकुम नामक स्थान से बिलोंग करता था, वहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, इसलिए इस आंदोलन को वायकुम आंदोलन के नाम से जाना गया, और यह आंदोलन 1924-25 में शुरू किया गया था। देखिए यह आंदोलन मंदिरों के प्रवेश से संबंधित था, और भारत में मंदिरों के प्रवेश से संबंधित यह पहला आंदोलन था। देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मुस्लिम समाज और पारसी धर्म में समाज सुधार आंदोलन, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए मुस्लिम समाज में जो धर्म सुधार आंदोलन चलाएंगे, उसमें मुख्यतः जो आंदोलन चलाएंगे वह निम्नलिखित है, इसको हम लोग क्रम से देखते हैं। इसमें सबसे पहले बहावी आंदोलन को हम लोग देखते हैं कि बहावी आंदोलन सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा 1786 से 1831 के बीच में चलाया गया, 1786 से 1831 के बीच में चलाया गया, और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, इसका मुख्य केंद्र पटना में था। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन हाजी सैयदुल्लाह के द्वारा पश्चिम बंगाल से शुरू किया गया था, और इनकी मृत्यु के बाद जो उनके पुत्र थे दादू मियां, इनके समय में इस आंदोलन का सबसे अधिक प्रचार प्रसार होता है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं देवबंद आंदोलन को। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोई के द्वारा शुरू किया गया था। यह यूपी के सहारनपुर में देवबंद नामक स्थान से शुरू किया गया था, इसीलिए इसको देवबंद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन में वो कौन है, वो है सैयद अहमद खां। इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो सैयद अहमद खां ने अलीगढ़ आंदोलन को शुरू किया। क्योंकि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, 1857 के विद्रोह से संबंधित इन्होंने एक पुस्तक की रचना की, और उस पुस्तक का क्या नाम था, उस पुस्तक का नाम था असबाब बगावत ए हिंद, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था द कॉजेस ऑफ द इंडियन म्यूटिनी। इसके बाद इन्होंने 24 मई 1875 ईस्वी को मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, और यही मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आगे चलकर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के नाम में परिवर्तित हो गया। फिर आगे हम लोग क्या देखते हैं कि 1888 ईस्वी में इन्होंने यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन नामक एक संस्था की स्थापना की, और इस संस्था की स्थापना इन्होंने कांग्रेस के विचारों के विरोध में किया था, यानी कांग्रेस के विचारों का विरोध करने के लिए इन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन। आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा शुरू किया गया था। मिर्जा गुलाम अहमद अपने आप को कृष्ण का अवतार कहते थे, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने अपने आप को कृष्ण का अवतार कहा है, तो किसने कहा है, मिर्जा गुलाम अहमद ने। फिर हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये सिखों का आंदोलन है, ठीक है, सिख समाज में जो आंदोलन चलाया गया है उसके बारे में है।
इसमें मुख्यतः हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, निरंकारी आंदोलन और नामधारी आंदोलन। नाम निरंकारी आंदोलन बाबा दयाल सिंह के द्वारा शुरू किया गया था, और फिर उसमें क्या होता है कि संत निरंकारी मिशन, जो आज हमारा निरंकारी मिशन चलता है, उस संत निरंकारी मिशन का जो गठन था वो 1929 ईस्वी में किया गया था, और वो बाबा बूटा सिंह के द्वारा किया गया था, जो इसका मेन ऑफिस है संत निरंकारी मिशन का, वो कहाँ पे है, वह दिल्ली में है, निरंकारी आंदोलन का। फिर इसका हम लोग क्या देखते हैं, नामधारी आंदोलन। नामधारी आंदोलन राम सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए भारतीय जो धर्म धर्म है, जो समाज है, उसमें इसके अलावा भी बहुत सारे सुधार आंदोलन चलाए गए थे, जिसका उल्लेख करना यहाँ पे जरूरी नहीं है, इतना ही आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग कांग्रेस की स्थापना पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद, और आप लोग ऐसे ही वीडियो को अधिक देखते रहिए और शेयर भी करिए।